नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक फिल्म की, नाम है एवा। ये आई है नेटफ्लिक्स पे और इसके डायरेक्टर हैं टेटे टेलर। दोस्तों यहाँ कहानी है एवा की, जो कि बनी हुई है जेसिका चेस्टिन। एवा एक ऐसे संगठन में काम करती है जिसका काम है हाई प्रोफाइल लोगों का कत्ल करना। एवा एक फील्ड एजेंट है, उनको आदेश आता है कि इस व्यक्ति का कत्ल करना है, इस शहर में पहुँचना है। वो वहाँ जाती है और उस व्यक्ति का कत्ल कर देती है। लेकिन इस संगठन में जुड़ने से पहले एवा सेना में रही थी, वहाँ उनकी ट्रेनिंग हुई थी और उनके परिवार की भी एक झलक हमको यहाँ दिखती है। तो दोस्तों यही कहानी है, यही स्टोरी लाइन है। और देखिए, जब ये फिल्म शुरू होती है तो जरूर ही आपको थोड़ी सी अच्छी लगती है, एक उम्मीद सी जगती है कि शायद कुछ अच्छी कहानी हमारे सामने आए। यहाँ एवा के बैकग्राउंड के बारे में भी बात की गई है, उनके परिवार को भी दिखाया गया है, उनका करेक्टर कहिए कि एक तरह से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी बेहद ही कमज़ोर है। यहाँ कहानी के नाम पर आपको ऐसा कुछ दिखता ही नहीं, एक है ना कि एवा से ही शुरू हो रही है और एवा पे ही ख़त्म हो रही है। एवा के निजी ज़िंदगी तक तो ठीक ही है, लेकिन जब उनके प्रोफेशनल जीवन के बारे में बात होती है तो फिर बहुत सारी कमियाँ आपको दिखती है। ये संगठन कौन लोग चला रहे हैं, ये क्या संगठन है, ये क्यों हाई प्रोफाइल लोगों का मर्डर कर रहे हैं, जिनका मर्डर हो रहा है वो कौन लोग हैं, इनको सुपारी कौन दे रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका कोई भी जवाब आपको मिलता ही नहीं है। लेकिन इन मर्डर्स के बहाने आपको कुछ एक्शन के दृश्य जरूर ही दिखते हैं, लेकिन ये एक्शन के दृश्य भी बहुत इंप्रेस नहीं करते। ये कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा बनावटी लगते हैं, या ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया गया। दोस्तों इसके बाद ये जिस संगठन में ये एवा काम कर रही हैं, वहाँ कहानी पलट जाती है, इनकी भूमिका पलट जाती है। लेकिन इसके पीछे जो तर्क रखा गया है वो भी बहुत ही बचकाना है, और इस चीज़ को लेकर के जो संगठन में उथल पुथल मचती है वो भी बेहद ही बचकाना है। यानी कि एक कहानी जो कि एक अच्छे नोट पे शुरू होती है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे गिरती ही चली जाती है और बेहद ही ख़राब तरीके से ये ख़त्म भी होती है। दोस्तों देखिए, यहाँ जेसिका चेस्टिन जैसी कलाकार आपको दिखती हैं, आपको यहाँ कॉलिन फारेल भी दिखते हैं, लेकिन ये देख करके बड़ा ही अजीब लगता है, कॉलिन फारेल जैसे अच्छे कलाकार यहाँ किस रोल में रख दिए गए। इनका ना कोई किरदार है, ना ऐसी कोई भूमिका, और इनको कभी ना कहिए कि परफॉर्मेंस देने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का यहाँ कोई मौका मिलता ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जेसिका चेस्टिन आपको कहीं कहीं इम्प्रेस करती है। तो दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं कि एक अच्छी एक्शन मूवी देखें या फिर जेसिका चेस्टिन के आप फैन हो सकते हैं, तो भी मेरी राय है कि इस मूवी को अवॉइड करने में ही भलाई है, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है। और दोस्तों ये जो मूवी है, बस यही है कि कहीं से शुरू कहीं से ख़त्म, इसको एवरेज से भी थोड़ा कम ही माना जाएगा, और इसीलिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों एवा के बारे में आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करिए। धन्यवाद।